من النبطاء أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه الفجر ولم تزر به صعلة وصيم قصيم في عينيه تعش في أشفاره وقف في صوته صحر في لحيته كفافة في عنقه صفر أزج أكرا أحول أكحل إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار وكأن منطقه خرزات النر من ينحدر. आपको थोड़ा पता चलता है, वो रिदम समझ में आया ना, क्या क्या शायरी है, क्या मौसीकी है। उसने कहा मैंने एक जवान देखा, मुझे यूं लगा जैसे चौदहवीं का चांद कपड़े पहन के जमीन पे आ गया, इंसानी शक्ल में ढल के आ गया हो। क्या खूबसूरत थे, क्या हसीन थे, न ऐसे दुबले पतले के बेरोग हो जाए, न ऐसे मोटे के बदसूरत हो जाए। उनकी आवाज में एक जादू था, उनकी आंखें सुरमगी थी और काली स्याह पुतली लंबी और मोटी थी, उनकी दाढ़ी घनी थी, उनकी गर्दन लंबी थी। वो ऐसे हसीन थे कि जितनी दफा मैं देखते मेरे देखने का शौक पड़ जाता। वसीम, वसीम उस खूबसूरत को कहते हैं जिसको देखने से जीना भरे, और वो एक ही आए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। बस तसीम खूबसूरत, दोनों का मतलब उर्दू में तसीम खूबसूरत, तसीम खूबसूरत, लेकिन तसीम उसे कहते हैं जो सर से लेकर पांव तक हर उज्र में हुस्न का पैकर हो, किसी पर उंगली ना रखी जा सके। यहाँ जगह थोड़ा सा कजी है, सर से पांव तक हुस्न में ढले हुए थे, और जितना मैं देखती मेरे देखने का शौक बढ़ता था, और जब वो बोलते थे तो उन पे नूर छा जाता था, जब वो चुप होते थे उन पे वकार छा जाता था, और उनके गुफ्तगू ऐसी थी जैसे मोतियों से मोती झड़ रहे हैं। मोतियों से मोती का क्या मतलब था कि दांत इतने खूबसूरत थे जैसे मोती, और कलाम ऐसा था जैसे मोती। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगा, अपने महबूब से जुड़ जाएं तो हमारे सारे महकमे ठीक हो जाएं। और आखिर में एक हदीस सुना देता हूँ जिससे ये भी ठीक हो जाएगा, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा, सिर्फ एक। अभी तो मैंने सिर्फ अल्लाह के रसूल का तारुफ करवाया कि हमारा अल्लाह कौन है, हमारा हबीब कौन है। अब अपने हबीब एक तो फराइज हैं, नमाज रोजा है ज़कात, वो तो आउट ऑफ बहस है, उसमें तो कोई किसी किस्म का